भाजपा पूर्वांचल समाज सम्मेलन कुरुक्षेत्र के एक निजी रिजोर्ट में आयोजित होना था, जिसका समय 2:30 बजे रखा गया। इसका समाचार जैसे ही किसानों को लगा तो किसान मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। 2:30 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम को लेकर किसान सुबह से ही रिजोर्ट के सामने एकत्रित होना शुरू हो गए। इस दौरान किसान एकत्रित हो गए और नारेबाजी करने लगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। बता दें कि इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद नायब सिंह सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री पवन सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी, पूर्वांचल समाज के भाजपा प्रदेश संयोजक सुजीत कैमरी सहित अन्य नेताओं ने यहां पहुंचना था। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अमरीक सिंह ने कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, किसान इसी प्रकार भाजपा व जजपा के कार्यक्रमों का विरोध करते रहेंगे। आज भी किसानों के विरोध के स्वरूप भाजपा द्वारा कार्यक्रम रद्द किया गया। पता चला कि यहां पर बीजेपी का कोई प्रोग्राम है, तो सभी किसान साथी यहां पर उसी टाइम इकट्ठे हो गए और बीजेपी वालों को जैसे ही सूचना मिली उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हम तो चाहते हैं कि वो प्रोग्राम करें, उनसे हम कुछ सवाल भी करना चाहते हैं, लेकिन वो छुपते फिरते हैं। अब छुपे हुए आदमी को कैसे ढूंढें, कहाँ उनसे पूछताछ करें, कैसे उनसे सवाल जवाब करें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना हो गई है, खड़ी हो गई है यहाँ पर। क्योंकि सरकार में जो उच्च अधिकारी हैं इनके, वो तो मिलते नहीं हैं। अब ये जो छोटे छोटे हैं इनके, जो इधर उधर घूमते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं प्रोग्राम के नाम पर, इनसे मिलने का मौका मिलना था, लेकिन वो भी नहीं आए। पता नहीं किस चीज़ का डर है, एक काला झंडा लेके आते हैं हम, काले झंडे को देख के ऐसे डरते हैं जैसे पराली में आग लगे को सांड भागता है देख के। तो ये तो एक चोर सिपाही का खेल हो गया। जिनके हाथ में पावर होनी चाहिए थी वो चोरों की तरह भाग रहे हैं, और जिनको उनसे सवाल पूछने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए जाना चाहिए था, वो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन वो छुपते फिरते हैं। क्या नाम है? मनोज सिरसला जी, थानेसर प्रधान। पता लगा था यहाँ पर कोई पूर्वांचल के नाम से भाजपा ने यहाँ पर कोई प्रोग्राम करना चाहती थी, लेकिन हमने कल यहाँ पर, कल भी आए थे और आज भी आए हैं, इनका प्रोग्राम हमने कैंसिल कराया, क्योंकि ये कभी पूर्वांचल के नाम से, कभी किसी और के नाम से, कभी दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ऐसे ये प्रोग्राम करते हैं। इनके सीधा नाम भाजपा की तरफ से जाकर ये कुरुक्षेत्र के नाम से करते हैं, तो इनको जगह भी कोई नहीं देता, इनका ना कोई प्रोग्राम होता है। देखिए, जैसा संयुक्त मोर्चा ने कह रखा है कि कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम नहीं होने देना जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, उसी कड़ी में हमने यहाँ पर जैसे ही पता लगा, हम उसी समय करनाल से, जैसे कल हमारी बड़ी जीत हुई वहाँ से जीत के, जैसे हमारे को पता लगा यहाँ पर कि प्रोग्राम है, यहाँ पर रात भी आए और आज सुबह भी, लेकिन कहीं भी हम इनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे, शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन करते हैं, ऐसे ही करते रहेंगे जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। उन्होंने बोल दिया कि हम प्रोग्राम नहीं कराएंगे, ये इन्होंने जो पूर्वांचल के नाम से जो प्रोग्राम रखा था, लेकिन जैसे ही उस भाई ने, इस रॉयल रिसोर्ट वाले ने देखा कि ये तो सुधा के बैनर है, ये कोई पूर्वांचल का नहीं है, तो उसी समय उसने जवाब दे दिया कि हम किसान आंदोलन जब तक चलेगा हम ऐसे प्रोग्राम नहीं होने देंगे। उस भाई का हम बहुत बहुत धन्यवाद।